कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के नाम से दस्तक दे चुकी है और इस बार हमें लॉकडाउन नहीं करवाना है। लॉकडाउन न लगे इसके लिए दो प्रयासों को किया जाना आवश्यक है। खुद ही लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। वैक्सीनेशन से वंचित लोग वैक्सीनेशन सेंटरों में जाकर वैक्सीन लगवाएं। जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने ओमिक्रॉन वायरस से बचाव एवं सुरक्षा को लेकर जानकारियां दी। दोस्तों, तीसरी लहर ने दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन के नाम से और इस बार हमें अपना लॉकडाउन नहीं करवाना है। और लॉकडाउन नहीं करवाने के लिए, लॉकडाउन जब होता है तो परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। हमें प्रॉफिट तो दूर की बात है, लेकिन हमें घाटा होने चालू हो जाता है, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। लॉकडाउन ना हो इसके हम दो कारणों से बच सकते हैं। एक तो हम खुद ही इतने जागरूक हो कि जिसका जिसका वैक्सीनेशन बचा हुआ है वो तुरंत हम जाके करवाएं, और दूसरा हम एहतियात बरतें। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे राज्य सरकार है, राज्य सरकार घर घर जाके वैक्सीनेशन करवाए, सेंटरों को बढ़ा दे, जल्द से जल्द वैक्सीन करवाने का कोशिश करवाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा कवच है जो हमें सभी चीजों से बचा सकता है। दूसरा, अभी भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पास जीनोम सीक्वेंसिंग की उपलब्धता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हमें अपने परीक्षण के लिए, जो परीक्षण होता है कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है, उसके लिए हमें उड़ीसा भेजना पड़ता है और उड़ीसा से आते आते उसको दो हफ्ते लग जाते हैं। अभी भी हमें ये क्लियर नहीं है कि जो यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कितने ओमिक्रॉन है और कितने डेल्टा है। इस वजह से मैं गुजारिश करूंगा अपनी राज्य सरकार से भी कि वो व्यवस्था जल्द से जल्द कराएं, वैक्सीनेशन की व्यवस्था जल्द से जल्द कराएं और जो दूसरी तमाम व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द कराएं। अपनी आपसी लड़ाई को छोड़ के वो छत्तीसगढ़ की आराम पे ध्यान दें।